नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाथरस हादसे पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। हादसे पर एसआईटी ने शासन कोर्ट को सौंप दी है, जिसमें डीएमएसपी सहित 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद माना जा रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। बता दें कि हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हड़कंप मच गई थी, जिसमें 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद सियासत भी तेज हुई और साथ ही साथ हलचल भी मच गई थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अगले ही दिन हाथरस पहुंच गए और घटना की जानकारी लेने के साथ साथ घायलों का हाल भी जाना और मृतक परिवारी जनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया था। इस हादसे की असल वजह जानने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में एसआईटी गठित की थी। एसआईटी टीम ने लगातार लोगों के बयान दर्ज किए। एसआईटी ने डीएमएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज किए। आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को सौंपी। डीजीपी और प्रमुख सचिव ने एसआईटी की रिपोर्ट यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही भी उजागर की गई है और साथ ही साथ हादसे के बाद की भी लापरवाही का जिक्र किया गया है। एसआईटी ने एम्बुलेंस चालक, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का भी बयान दर्ज किया है। फिलहाल जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हादसे पर बेहद संजीदा है, पहले ही दिन एसडीएम ने रिपोर्ट भेजी थी, फिर उसके बाद सरकार ने एसआईटी गठित की और अब सेवानिवृत्त जजों की जांच कमेटी भी अपनी रिपोर्ट यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। फिलहाल अब इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है और साथ ही साथ सूत्रों का यह भी दावा है कि सत्संग के बाद बाबा के चरण रज पाने के लिए जब भीड़ दौड़ी तो बाबा के कमांडोज ने भी धक्का मुक्की किया था, जिससे भगदड़ मच गई और हादसे के बाद कई तथ्यों को आयोजकों ने छिपाया भी। फिलहाल अभी तक 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या बड़ा एक्शन रहता है। सहयोगी फैज के साथ आशीष बेग, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की। हाथरस हादसे में घायल हुए लोगों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। हाथरस के सिकंदर राव के रघवानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ में 130 लोगों की जान चली गई, जिसके उपरांत आज अग्रवाद इलाके के पिलखना गांव में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी के द्वारा मृतकों के परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देते हुए मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की बात कही है। इधर मृतकों के परिवार को राहुल गांधी के द्वारा उनकी ओर से आर्थिक मदद देने की भी बात सामने आ रही है। मृतकों के परिवार का कहना है कि आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी उनके घर पर आए और उनके दुख को बांटा, जिसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी के द्वारा आर्थिक मदद की भी बात कही गई है। इधर गांव में मृतकों के परिवार के लोगों का कहना है कि बाबा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
बाबा के द्वारा चमत्कार न होने के कारण ये हादसा हुआ। तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि बाबा चमत्कारी बाबा थे। एक ऐसे व्यक्ति से भी बात की गई जिसमें उस व्यक्ति ने बताया कि वह कैंसर से पीड़ित था, उसके बाद वह बाबा से मिला और उसका कैंसर रोग मुक्त हो गया, कैंसर ही उसका जड़ से खत्म कर दिया। इसी दौरान जहां एक माँ और एक बच्चे की मौत हुई, बच्चे की उम्र मात्र 5 साल की थी और इकलौता घर का चिराग था, जिसकी मौत पर परिवार के लोगों का कहना है कि अगर बाबा चमत्कारी थे तो अपने चमत्कार से इस दर्दनाक हादसे को क्यों नहीं रोका। इधर राहुल गांधी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि मामले में उनके द्वारा सरकार से प्रयास कर कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाएगी और उनके द्वारा इस मामले को लेकर आर्थिक स्थिति की भी मदद की बात कही गई है, जिसके उपरांत राहुल गांधी वहां से हाथरस की ओर रवाना हो गए, जहां राहुल गांधी हाथरस में हुए मृतकों के परिवार और घायलों से मुलाकात करेंगे। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की, भोले बाबा के जो सत्संग में दिखाई देने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करने नहीं पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। हादसे पर सरकार को हर एंगल से घेरने की कोशिश करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनका कोई भी नुमाइंदा पीड़ितों का दुख दर्द बांटने नहीं पहुंचा, जबकि हादसे के बाद से ही शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कई मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के राहुल गांधी, अजय राय और बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। अखिलेश यादव और उनके नुमाइंदों के नहीं पहुंचने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा यह भी है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता सिर्फ हर मामलों पर सियासत ही करते हैं। बता दें कि हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद बड़ा हादसा हो गया था। भगदड़ मचने से 131 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हादसे के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया, यहां तक कि घायलों के सही उपचार का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। लेकिन इसके बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहां तक भी बयान दे डाला कि यह हादसा सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। फिलहाल हादसे के बाद राहुल गांधी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत कई पार्टी के नेता हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटा। लेकिन अभी तक जिस तरह से लापरवाही का ढिंढोरा पीटते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर किया, लेकिन अभी तक न तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और न ही उनकी पार्टी का नुमाइंदा हाथरस पहुंचा जिससे लोगों का दुख दर्द बांट सके। चर्चा यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मंथन कर रहे हैं और उन्हें हाथरस जाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल मामूली घटनाओं पर भी जिलों में पहुंचता है और रिपोर्ट तैयार करता है। यहां तक कि मथुरा में टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत मामले में भी कल यानी 6 जुलाई को सपा प्रतिनिधिमंडल मथुरा जाएगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। लेकिन हाथरस में इतने बड़े हादसे के बाद जिस तरह से सपा प्रमुख और उनका प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा, इससे यही कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ सियासत करती है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ।
बात करेंगे अगली खबर की। हाई कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। चुनाव नीति को लेकर आज हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को सुनवाई थी, लेकिन साथ बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो समूह सीबीआई ने रखे थे, वहीं हाई कोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस जारी किया है। बताया कि आखिरकार अगली जो सुनवाई होनी है वो 17 जुलाई को होनी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा था आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जमानत क्यों नहीं है, क्या कोई वो आतंकवादी है, क्योंकि ऐसा अभी कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। वहीं हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई को एक नोटिस जारी किया कि आखिरकार क्या सबूत है और क्या क्या सबूत रखे जाएंगे, वो सारे सबूत मांगे हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की थी किस तथ्य के आधार पर गिरफ्तारी की है, अब देखना होगा कि अगली 17 तारीख को क्या सीबीआई सबूत पेश कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत होगी या नहीं, क्योंकि लगातार उनके वकील अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट या लगातार उसमें जाते नजर आते हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है पड़ती नजर आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव का जो दंगल है वो तेज हो चुका है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उपचुनाव के बीच जो सियासी दंगल था वो तेज होने लगा है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी या कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में कह सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। आज केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता दोनों ही विधानसभाओं में चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे नजर आए, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब भी अपने स्थानीय चेहरों के सहारे चुनाव प्रचार को तेज करने में लगी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी आज ये कह सकते हैं कई बड़े दिनों बाद उत्तराखंड में पहुंचे और मंगलौर विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही है। दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार इस समय बड़ा तेज चल रहा है। रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बद्रीनाथ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो वही मंगलौर सीट पर अब भी त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में उन्हें पुराने जो मिथक है वो सभी टूटेंगे। अब जो रेट का जो आंकड़ा बीजेपी लेकर चल रही है, जो रिकॉर्ड बना रही है, वो यहाँ पर भी जारी रहेगा। दोनों सीटों पर जीत हासिल होगी। ऐसे में देखना ये होगा कि 10 जुलाई को जब मतदान होगा तो जनता किस आधार पर मतदान करेगी और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम करती है। बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर में एक अधिकारी का जो ऑडियो है वो वायरल हो गया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। मैं साइबर सेल में प्रभारी जयशंकर सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में वो जो हमीरपुर का एसी मैकेनिक है उसके साथ अब अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उसी को लेकर जो एसी मैकेनिक हैं, आज उन्होंने हमीरपुर की जो कप्तान है दीक्षा शर्मा, उनको उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने मांग की है कि अगर उनकी मांग नहीं पूरी होती है और जो साइबर सेल में तैनात प्रभारी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो वो लोग जो हैं तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका कहे उनका इधर एसी सही करने नहीं जाएंगे। इसी को लेकर आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा। और देखने वाली बात ये होती है कि हमीरपुर की जो कप्तान दीक्षा शर्मा कब प्रभारी के ऊपर कार्रवाई करते हैं। इंडिया वाइज से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। पुष्कर सिंह धामी रोजाना समीक्षा बैठकें यहां पर कर रहे हैं। विभागों की अधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारियों को विकास की परियोजनाओं को लेकर दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य जब 2025 में प्रवेश करे तो राज्य के पास विकास के आधारशिला मजबूत आधारशिला और उत्तराखंड राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो, और लगातार उत्तराखंड सरकार उस दिशा में बढ़ने का काम भी यहाँ पर कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक विभागों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतना संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर विभागों से उनकी कार्य योजना और आगामी 10 साल की जो कार्य योजना है उसका रोडमैप बनाने के लिए कहा गया, ताकि जो अल्पकालिक योजनाएं हैं, जो मध्यकालिक योजनाएं हैं, जो दीर्घकालिक योजनाएं उसके हिसाब से विभाग काम करे, ताकि जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिले। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो मिशन मोड पर नजर आ रहे हैं उस मिशन मोड का असर विभागों पर कितना पड़ता है, विभाग कौन सी योजनाएं जनता के हित में बनाने में काम करते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर में ट्रक ड्राइवर की मौत पर बवाल हुआ।
खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता। जिले में 18 दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, उसी को लेकर जो उनके परिजन हैं तो यहाँ गोल चबूतरे पर धरने पर बैठे थे और मांग कर रहे थे शासन प्रशासन से कि जो उनके पिता हैं उनका पीएम कराया जाए और जो ट्रक ड्राइवर था उसको, जो ट्रक ड्राइवर का मालिक थे उसने वहाँ पर जो इंगोटा गांव वहीं पर उसको दफना दिया था और ना ही उनके परिजनों को सूचना मिली थी। इसके बाद जब परिजनों को सूचना मिलती है उस और उनके बच्चों को सूचना मिलते बाहर से आते हैं तो वो हमीरपुर गोल चबूतरे पर धरने पर बैठते हैं और इसके बाद जब धरने पर बैठते तो जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित करते हैं। इसके बाद जो टीम गठित करते हैं वो वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं इंगोटा गाँव में, वहीं पर जो मौके पर पहुँच के टीम उस जो दफन था ट्रक ड्राइवर उसको बाहर निकलवाते जेसीबी द्वारा और उसको हमीरपुर पीएम हाउस लाके उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। अब पीएम के बाद ही पता चलेगा किस तरह उस ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी। इंडिया वाइज से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मिर्जापुर में जो विकास कार्य है वो तेज गति से चल रहा है, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन के पास हो रहा है सुंदरीकरण। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से यहां पर काम लगा हुआ है जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं पर बता दें कि उस स्टेशन पर मिर्जापुर जनपद के आला अधिकारी पहुंचकर निरीक्षण भी कर चुके हैं। काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कि आपको बता दें कि अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है। वहीं आज जो है कि रेलवे के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, उन्होंने भी दुख जताया कि इस तरह से धीमी गति से काम किया जा रहा है। उन्होंने वहां के जितने स्टाफ हैं उन लोगों को निर्देशित किया है कि और तेजी से काम किया जाए क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो सकती है। वहीं बता दें अधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से इस काम को पूरा हो सके और विंध्याचल का रेलवे स्टेशन जो है सुरक्षित हो सके और वहां सुंदरीकरण हो सके क्योंकि बगल में ही माँ विंध्यवासिनी का धाम है। माँ विंध्यवासिनी का जो है कि जो मंदिर जिस तरह से बन गया उसी तरह से हमारा मिर्जापुर रेलवे स्टेशन दिखना चाहिए। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। वाराणसी में पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल के रख दी है, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। क्योटो बनाने की तस्वीर पीएम मोदी ने दिखाई थी, इस क्योटो के तस्वीर को देखने के बाद काशी की जनता ने को लगा कि यह काशी बदलने वाला है। खूबसूरत तस्वीरों को दिखाकर क्योटो बनाने की बात पीएम मोदी ने कही, मगर हालात कुछ उल्टे दिखाई पड़ रहे हैं। वाराणसी के वार्ड नंबर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 का करमत्ता उत्तरी के क्षेत्र में पूरे महीनों से जो है जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से सीवर के पानी रोड से होते हुए घरों के अंदर तक घुस चुके हैं। आलम यह है कि गंदे बदबूदार पानी के बीच लोगों का रहना आना जाना जो है आम दिनचर्या बन चुका है। काफ़ी लंबी शिकायतों के बाद भी वाराणसी में जल निकासी की व्यवस्था न होने से क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा आज सीवर पर खड़े होकर के धरना प्रदर्शन किए गए। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने यह कहा, आशा कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि वाराणसी में लगातार सरकार के द्वारा लोगों को रोग के निजात के लिए तमाम जो है अभियान चलाने की बातें कही जा रही हैं, मगर आलम यह है कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में एक महीनों से जल की निकासी न होने से बदबूदार पानी जो है फैले हुए हैं जिससे महामारी होने की पूरी संभावना है। तमाम लोगों ने इस समस्याओं के निजात न पाने की वजह से लगातार खड़े होकर रोड पर जिला नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। बात करेंगे अगली खबर की, रायबरेली में भ्रष्टाचार पर चला सरकार का चाबुक, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर रायबरेली जिले में तैनात एक लेखपाल के द्वारा पलीता लगाते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां तहसील में तैनात एक लेखपाल के द्वारा एक किसान से उसके एवज में 80,000 रुपए के घूस लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग में खलबली का माहौल है और देखा जा सकता है तस्वीरों में कि किस तरह से लेखपाल के द्वारा एक किसान से घूस की रकम ऐठी जा रही है। तो ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने के लिए सारे जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दे चुकी है और सख्ती से इसका पालन किए जाने के लिए उनके द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं,
लेकिन साफ तौर से इस लेखपाल के द्वारा कहीं ना कहीं उन निर्देश और आदेशों का भय नहीं है, ना तो इसके अंदर कहीं किसी प्रकार का डर देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर से बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद रायबरेली जिले का जो विभाग है उसमें हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन बता दें कि अभी तक वीडियो वायरल होने के बाद ना तो इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी का इस पूरे मामले में बयान आया है। बता दें कि रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील में तैनात ये लेखपाल विनोद मौर्य नाम का बताया जा रहा है, जो एक किसान से घूस की रकम लेते हुए देखा जा सकता है और उसके द्वारा साफ तौर से बात करेंगे। अगली खबर की, बस्ती में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बबुंदर यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, जिसको लेकर के तमाम सुरक्षा व्यवस्था वहीं चौक चौबंद थी। और जिस तरीके से देखा जाए, मुख्यमंत्री जो कि आज बस्ती दौरा, जो कि बस्ती मंडल में जो है मंडलीय जो है जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक किया और अधिकारियों के साथ जिस तरीके से उन्होंने जो कि विकास जो उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की, जो कि लगातार जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री का जो दौरा चल रहा है, वहीं आज बस्ती मंडल में जो कि 11 बजे उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लेटर आया था 11 बजे के हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए मौसम के कहीं ना कहीं मौसम जिस तरीके से था वो लेट हो गया और थोड़ा बहुत लेट था। लेकिन वहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो है मंडल आयुक्त के कार्यालय में जो कि मीटिंग हॉल में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जो है समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने तमाम जैसे सरकारी योजनाओं को लेकर के अधिकारियों से बात की और जनप्रतिनिधियों से भी बात की। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बस्ती जनपद में जो विकास की चीज़ें हैं तो लगातार, और अभी हाल ही में देखा जाए चुनाव जो कि लोकसभा चुनाव था उसको लेकर के भी जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं बस्ती मंडल में 2 सीटें भाजपा गंवा चुकी है, तो चुनाव को भी लेकर के वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर माना जाए उस पर भी जो है फोकस किया जाए कि जो कि विकास कार्य तेजी किया जाए जिससे आने वाले जो विधानसभा का जो चुनाव है कहीं ना कहीं उस पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा कहीं उसमें ना भी नुकसान उठाना पड़ेगा भाजपा को, तो इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री जो कि विकास को रफ्तार देने के लिए आज समीक्षा बैठक किया। बात करेंगे अगली खबर की, लखनऊ में विद्यालय बना जंग का अखाड़ा। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आमान। काकोरी इलाके के एक प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें ये वीडियो जो वहां पे पढ़ाने वाली अध्यापिका हैं जिन्होंने बच्चों को ऊपर मार पड़वाने की बात कही, जिसको रोकने के लिए शिक्षा मित्र जो भी जो वहां बच्चों को शिक्षा या तालीम दी जाती है उनको वहां पढ़ाई कराती, उन्होंने उस बात का विरोध किया, अध्यापिका को रोकने का प्रयास किया, तो वहीं जो अध्यापिका है उन्होंने उल्टा ही वहां पे शिक्षा मित्र के ऊपर जूता तान दिया। ये साफ तौर से वीडियो में दिखाई दे रहा है जो लखनऊ के काकोरी इलाके का बताया जा रहा है। आपको बता दें ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं और तमाम तरह की माहौल भी बना हुआ है इस वीडियो को लेकर। अब देखना यह है कि इस वीडियो को लेकर उस अधिकारी किस तरह का एक्शन लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। मोहम्मद बात करेंगे अगली खबर की, दिल्ली में ईडी ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और अन्य के खिलाफ छापेमारी की। यह छापेमारी कथित तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत लेकर गड़बड़ी के मामले में आरोप में जुटी है। अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि IAS टेंडर प्रक्रिया को आपके चुनावी फंड को ध्यान में रखकर जारी किया गया था। शुक्रवार सुबह 7 बजे करीब ईडी ने दिल्ली के राजधानी में 10 से 12 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छापेमारी करी। ईडी की टीम ने कहा कि छापेमारी कार्रवाई की जिसमें विभव कुमार का आवास भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य सुलभ कुमार के आवास, आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के कार्यालय और सीएम पंकज मंडल के ठिकानों समेत आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की, नीट पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं
हमारे संवाददाता कमल किशोर को रद्द करने की मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल करते हुए कहा कि नीट एग्जाम को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक केस की जांच सीबीआई कर रही है और ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बताया कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र का कहना है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितताओं का कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। ऐसे में नीट एग्जाम को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि नीट के दोबारा परीक्षा कराने पर इसका प्रभाव लाखों उम्मीदवारों पर पड़ेगा और अखिल भारतीय परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।